मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और माताओं, मेरे ऋतु सैनी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरे दिन में आपको सुनाने जा रही हूँ माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप कैसा है और माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की इच्छा पूरी करती है। दोस्तों, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा सुनें और माँ की पूजा आराधना करें। माँ कैसे आपकी मनोकामना पूरी करेगी? फ्रेंड्स, अगर आपने ऋतु सैनी के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी जी की जय हो। माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और श्रद्धालुओं को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग और सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इस घोर तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभेद किया गया। हजार वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे रहकर वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल्व पत्थर खाए और भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल्व पत्थर भी खाने छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निर्हार रहकर तपस्या करने लगी। पत्तों का खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी जी की तपस्या को, ब्रह्मचर्या की तपस्या को अद्भुत पूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह केवल तुम ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं।
माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप से हमें शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। देवी के भक्त पुण्य शक्ति शांति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और देवी की कृपा से समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। बोलो जय माँ ब्रह्मचारिणी जी की जय हो। माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी जी की जय। जय माता दी।